दूल्हा दुल्हन का जादुई जोड़ा। सागरपुर गांव में रहने वाला जीतू एक मांझी था, जो गांव के तट पर नाव खेता था, जो श्रद्धालु और सैलानियों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया करता था। जीतू जब केवल 10 साल का था, तभी उसके माता पिता चल बसे, जिस कारण बेहद कच्ची उम्र में जीतू के कंधों पर घर का भार सवार हो गया। ऐसे में जीतू खुद भूखा रहकर अपनी बहन जूही को भरपेट खिलाता और भट्टियों की तपिश सहकर तो कभी बोरियों की लदनी ढोकर पैसे जोड़ बटोर कर एक नाव खरीदता और मांझी बन गया। आओ आओ श्रद्धालुओं, मेरी नाव में सवार हो जाओ, बैठो मेरी नाव में और चंद पल में पार पहुंच जाओ। आओ आओ आओ। कुछ लोग जीतू की नाव में सवार हो जाते हैं, जिसके बाद जीतू नदी के हिलोरे में नाव खींचता हुआ उन्हें पार पहुंचा देता है। बदले में जीतू को पैसे मिलते हैं, जिसे लेकर ढलते सूरज के संग जीतू नाव को नदी किनारे बांधकर घर लौट आता है। चुटकी, कहाँ है तू? भैया आप आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। जूही जीतू के सामने खाना परोस देती है, जिसे खाकर जीतू अपनी बहन की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह चुटकी, क्या जायकेदार दाल बनाई है और चावल भी एकदम खिले खिले दिख रहे हैं, लग ही नहीं रहे कि कोटे के हैं। अरे भैया अब इतनी बड़ाई मत करो। अरे कैसे न करूं बढ़ाई, मेरी बहन के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा जो है। छुटकी, जब तू तो विदा हो जाएगी तो कौन पकाएगा मेरे लिए रोटियाँ, तब तो अपना हाथ ही जगन्नाथ बनाना पड़ेगा। भैया अपनी बहन के ब्याह का सपना बिसार क्यों नहीं देते, इस घनघोर गरीबी में हमारे घर का चूल्हा जलना ही बड़ी बात है। आज के महंगे दौर में चारों ओर दहेज की होड़ है, कहाँ से आएगा इतना दाम दहेज। जूही, जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती मेरी बहन, वैसे हर इंसान लोभी नहीं, दुनिया में सभी के अलग अलग किरदार है। मेरी बहन दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी उठेगी। ऐसे ही समय बीतता है। जीतू पैसे जोड़ने के होड़ में अब रोजाना सुबह होते ही नदी पर पहुंच जाता। एक दिन जब वह नदी के दूसरे पार से नाव मोड़ रहा होता है, तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे एक बूढ़े शख्स पर जाती है। अरे ये तो डूब रहे हैं, कुछ कर जीतू। जीतू सरपट से अपनी नाव दौड़ाकर उस डूबते हुए शख्स को नाव में खींच लेता है। काका आप ठीक तो है? हाँ बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, अरे तुमने मेरी जान बचा ली, वरना ये नदी का उफनता बहाव मुझे डुबो देता। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? अरे बस बेटा, अपने बेटे के ब्याह की बात करने बगल के गांव में गया था। जाने समाने को हुआ क्या है, कोई भी रईस हम गरीबों से नाता जोड़ना ही नहीं चाहता। जुमांजी की बातें सुनकर जीतू को अपनी बहन का ख्याल आता है। वैसे काका, आपका बेटा भी कुंवारा है और अब मेरी बहन का भी लगन नहीं हुआ। अरे बेटा, ये शायद ईश्वर का संजोग है जो मेरी भेंट तुमसे हुई। जीतू जुमांजी को अपने घर का पता दे देता है। अगली सुबह जुमांजी अपने बेटे रवि को लेकर जीतू के घर आता है। रवि को पहली ही नजर में जूही जच जाती है और पारिवारिक रजामंदी से शादी पक्की हो जाती है। देखते ही देखते हर दिन बीतता जाता है। जीतू अपनी बहन की शादी की चिंता में घुला जा रहा था। एक दिन वह नाव में सवार सैलानियों को लेकर जा ही रहा था कि उसमें बैठा पुजारी बोल पड़ता है, अरे क्या बात है जीतू मांझी, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों है? अरे क्या बताऊं पुजारी जी, बड़ी मुश्किल से मुझ गरीब भाई की बहन का ब्याह पक्का हुआ है, शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा, बावजूद इसके मैं अब तक एक पाई भी नहीं जोड़ पटोर पाया। अरे जीतू, फिर तो तुझे इच्छा पूर्ति वट वृक्ष के पास जाने की जरूरत है। इच्छा पूर्ति वट वृक्ष, ये क्या है? अरे इस नदी पार से एक जंगल शुरू होता है, जब जिसके अंदर एक बहुत पुराना जादुई पेड़ है, जो गरीबों की जात भांप कर होने वाली दुल्हन और दूल्हे दोनों को आशीर्वाद स्वरूप शादी का जादुई जोड़ा देती है, मगर तुम्हें उस पेड़ में एक लाल रंग की चुनरी चढ़ानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। जीतू पैसे जोड़कर बटोरकर एक लाल रंग की चुनरी खरीद लेता है और अगली सुबह उस जंगल के पेड़ के पास जा पहुंचता है। पूरे जंगल में इस पेड़ पर ही लाल रंग की चुनरियां बंधी हुई हैं। इसका मतलब
यही जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ है। जिस पल जीतू उस पेड़ पर चुनरी बांधता है, पेड़ एक तेजोमय सुनहरी चमक से जुगनू की तरह पूरे जंगल में जल उठता है और उसके साथ पेड़ इंसानी अक्ष कायम करके कहता है, कहो मानव, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जादुई पेड़, मेरी बहन की शादी होनी है, मुझ गरीब भाई की मदद करो। ये लो, ये दुल्हा और दुल्हन के जादुई जोड़े हैं। ये दुल्हन के मायके और ससुराल दोनों घरों की हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। जीतू उन जादुई जोड़े को लेकर जुमानजी के घर आकर दूल्हे का जोड़ा देते हुए उसे सारी बात बताकर घर आता है। अरे क्या ये शेरवानी सचमुच जादुई है, तो अपना कमाल दिखाओ। जुमानजी के इतना कहते ही जादुई जोड़ा सोने की शेरवानी में बदलकर अपने भीतर से सोने के सिक्कों की भरमार कर देता है। वहीं दूसरी ओर जीतू के घर में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। भैया, ये शादी का जोड़ा तो एकदम जिन्न जैसा जादू जैसा है। देखिए बाबूजी, ये तो सचमुच में जादुई जोड़ा है। हाँ रवि, अब इस गरीब बाप का घर सजेगा और मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। इसे ब्याह का सारा साजबाज पूरा हो जाएगा। एक तरफ जहां जुमानजी के घर में दूल्हे का जोड़ा अपना कौतुब करतब दिखा रहा था, वहीं दूसरी ओर जीतू के घर में पहुंचा दुल्हन का लहंगा भी ऐसा ही कर रहा था। भैया, ये शादी का जोड़ा तो एकदम जिंदगी जादू जैसा है। एक ही पल में सोने के सांचे में ढल कर सैकड़ों सोने के सिक्के बरसा दिए। हाँ जूही, मैं कहता था ना कि तू दुल्हन भी बनेगी और डोली चढ़कर ससुराल भी जाएगी। मेरे पास दुल्हन का जोड़ा तो आ गया, मगर गहने नहीं है। ऐ मेरे जादुई जोड़े, क्या तुम मुझे दुल्हन को गहने मुहैया करवा सकते हो? जूही के इतना कहते ही उसका लाल लहंगे पर एक सुनहरी उत्कर्ष किरण उजागर होकर अपने अंदर से सोने के बारीक बनावट के गढ़े गहनों की बारिश कर देती है। इतने सारे गहने, तुम्हारा शुक्रिया जादुई जोड़े। जादुई दूल्हा दुल्हन के जोड़े की बदौलत दोनों ही गरीब परिवारों में बढ़ चढ़ कर ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। सांझ की बेला बीतते ही दूल्हा दुल्हन जैसे ही अपना जादुई जोड़ा पहनकर शीशे के सामने खड़े होते हैं, तभी सर से लेकर पांव तक वह एक चमक से भर जाते हैं, जिसके साथ दूल्हा दुल्हन का चेहरा गुलाब की भांति चमकने दमकने लगता है। ये मेरी शादी की शेरवानी जुगनू के जैसे चमक कैसे रही है? शायद ये जादुई जोड़े का एक और नया गुण है। शुक्रिया मेरी जादुई जोड़े, मैं जानती हूँ कि मेरे चेहरे का निखार तुम्हारी दैव्य देन है। आज मैं तुम्हारे बदौलत ही दुल्हन बनी हूँ। कुछ ही देर में जुमानजी अपने बेटे की बारात लेकर जीतू के घर आता है, जहाँ पूरे गांव देहात की नजर दूल्हे और उसके जादुई जोड़े पर गड़ी हुई थी। तभी जूही भी दुल्हन का जादुई जोड़ा पहने मंडप में आ जाती है। उस पल दूल्हे दुल्हन की छवि से मंडप मानो ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान हो चुका था। अग्नि के साथ फेरों के साथ रवि और जूही जीवन साथी बन जाते हैं और विदाई की बेला पर जूही अपने भाई के साथ भीतर आकर कहती है, क्या हुआ मेरी बहन, तू भीतर क्यों आई है? भैया, आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब इस बहन की बारी है। ऐ मेरे जादुई जोड़े, मेरे भाई की झोली सोने से भर दो। जूही के ऐसा कहते ही जादुई जोड़े की शक्ति जागृत हो जाती है और लहंगे के छोर से खूब सारे सोने के सिक्के जीतू की झोली में समा जाते हैं, जिसके बाद जीतू भीगी आंखों के साथ अपनी बहन को विदाई देता है। आज दुल्हन और दूल्हे का जादुई जोड़ा जुमानजी के घर में है, जिसे वह गरीब दुल्हन और दूल्हे की मदद करने में बढ़ चढ़ कर हाथ बढ़ाते हैं। जादुई सोने का टॉयलेट। रात का समय होता है। एक हरिया नाम का आदमी एक टॉयलेट से बाहर आते हुए उसका दरवाजा लगाता है। हरिया के हाथ में ढेर सारा पैसा, सोना और हीरे होते हैं। आखिरकार मुझे सोना, पैसा, हीरा मिल ही गया। जंगल की देवी माँ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है और सीधा हॉस्पिटल जाकर रुकता है। हरिया हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को सोना, पैसे, हीरे देते हुए कहता है, डॉक्टर साहब ये लीजिए आपकी फीस, अब मेरी पत्नी का इलाज कर दीजिए और उसे बचा लीजिए। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होने देंगे। तभी डॉक्टर मिलकर हरिया की पत्नी सुनैना का इलाज करना शुरू कर देते हैं। सुनैना को काफी समय से कैंसर होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कई घंटों तक उसका इलाज चलता रहता है। पूरे 38 घंटे बाद डॉक्टर हरिया के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, अब तुम्हारी पत्नी खतरे से बाहर है, कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
ये सुनकर हरिया बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो देवी माँ को याद करते हुए कहता है, हे देवी माँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं अपनी पत्नी को कैसे बचा पाता। ये कहकर हरिया अपनी पत्नी सुनैना के लिए उसकी जरूरत का सामान ले आता है। देखते ही देखते रात हो जाती है, जिसके बाद हरिया फिर से टॉयलेट के पास जाता है और टॉयलेट का दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके अंदर एक सोने का टॉयलेट बना होता है। ए मेरे जादुई टॉयलेट, मुझे सोना, पैसा, हीरे चाहिए। हरिया के इतना कहते ही जादुई सोने के टॉयलेट के अंदर से सोना, पैसा, हीरे निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हरिया वो सब इकट्ठा करके टॉयलेट को बंद कर देता है और उन्हें ले जाकर उनका एक बहुत अच्छा घर खरीदता है। जब सुनैना मेरा इतना प्यारा घर देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। जैसे ही सवेरा होता है, हरिया अपनी पत्नी सुनैना को हॉस्पिटल लेने चला जाता है, जिसके बाद वो सुनैना को हॉस्पिटल से जब घर लेकर आता है तो सुनैना उससे कहती है, अजी ये हम किसके घर आ गए हैं? ये घर तो हमारा नहीं है। अरे यही तो हमारा घर है, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। लेकिन इस घर को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए और तुमने मेरा इलाज कैसे करवाया? सुनैना के सवाल जवाब से हरिया घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, अरे ये हमारा ही तो घर है। दरअसल मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने घर खरीद लिया। ये सुनकर सुनैना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों घर में रहने लगते हैं। लेकिन उस घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद जैसे ही रात होती है, हरिया रात के समय फिर से टॉयलेट के पास जाता है और उसका दरवाजा खोलकर सोने की टॉयलेट से कहता है, ए मेरे जादुई टॉयलेट, मुझे सोना, पैसा, हीरे चाहिए। हरिया के इतना कहने के बाद उसके अंदर से सोना, पैसा, हीरे निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन सभी को इकट्ठा करता है और टॉयलेट को बंद करके वहाँ से चला जाता है। वो उनसे घर का राशन और घर की जरूरत का सामान ले जाता है और ये सब देखने के बाद उसकी पत्नी सुनैना उससे दोबारा पूछती है, अजी आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? पहले तो हम लोग एक झोपड़ी में रहा करते थे और अब ये महल जैसा घर, ये सब कैसे हुआ? हरिया जब सुनैना के इतने सारे सवाल सुनता है तो उसे ना चाहते हुए भी जादुई सोने के टॉयलेट के बारे में बताना पड़ता है। अरे जब तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लेकर गया। वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारा पैसा मांगा, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने हर जगह काम ढूंढा लेकिन मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक पब्लिक टॉयलेट को साफ करने का काम मिला। बारिश की वजह से हमारी झोपड़ी भी पूरी तरह तहस नहस हो गई थी, जिसके बाद मैंने उस पब्लिक टॉयलेट में ही रहना शुरू कर दिया। एक दिन मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी मुझे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, हे भगवान, कोई मेरी मदद कर दो, कोई मुझे बचा लो। अरे ये क्या लगता है, कोई जंगल में परेशानी की हालत में है। हरिया बूढ़ी औरत की आवाज का पीछा करता है, जिसके बाद उसे जंगल की झाड़ियों में एक बूढ़ी औरत जख्मी हालत में मिलती है। अरे आपके शरीर से तो खून निकल रहा है, ये सब कैसे हुआ? एक जंगली शेर ने मुझ पर वार कर दिया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हरिया जंगल के अंदर से कई सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उनका एक लेप बनाकर उस बूढ़ी औरत के जख्मों पर लगा देता है। कुछ ही समय में उस बूढ़ी औरत को जल्द ही आराम मिल जाता है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत एक देवी में बदल जाती है और हरिया से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। मैं जंगल की देवी हूँ और हमेशा इस प्रकार इंसानों की परीक्षा लेती रहती हूँ। तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने आपकी मदद लालच में नहीं की थी, आप ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज के बाद जिस टॉयलेट में तुम रहते हो वो एक सोने का टॉयलेट बन जाएगा और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उस सोने की जादुई टॉयलेट से सोना, पैसा, हीरे निकाल सकते हो। और उसके बाद देवी वहाँ से गायब हो गई और मैं भागता हुआ अपने टॉयलेट के पास पहुँच गया। जैसे ही मैंने उसका दरवाजा खोला, वो एक सोने के जादुई टॉयलेट में बदल चुका था और उसी से मैंने तुम्हारे इलाज के लिए सोना, पैसा, हीरे निकाले। मुझे माफ कर दीजिए, आपके पास इतनी धन दौलत देख कर मुझे लगा कि आप किसी गलत काम को करने लगे हैं।
मैं नहीं जानती थी कि ये सब आपकी ही अच्छाई का फल है। अरे पगली, भला मैं कोई गलत काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो गलत काम करने वालों को भी रोकता हूँ। वैसे मैंने कुछ सोचा है। अच्छा तो बताइए, आपने क्या सोचा है? मैंने हॉस्पिटल में मेरी तरह पैसों से तड़पते हुए लोगों को देखा है, इसलिए मैं जादुई सोने की टॉयलेट से हॉस्पिटल के गरीब लोगों की सहायता करूंगा, ताकि कोई मेरी तरह अपने परिवार को बचाने के लिए इतना न तड़पे। ये सुनने के बाद सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति हरिया को गले से लगा लेती है, जिसके बाद हरिया रात के समय सुनैना को अपने साथ लेकर जाता है और जादुई सोने की टॉयलेट का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो टॉयलेट से कहता है, मेरे जादुई सोने के टॉयलेट, मुझे इतना सारा सोना पैसा और हीरे दो कि मैं बहुत सारे गरीब लोगों की सहायता कर सकूं। उसके इतना कहते ही टॉयलेट के अंदर से खूब सारे सोना पैसा हीरे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ सोने पैसा और हीरे का ढेर लग जाता है, जिसके बाद हरिया वो सभी इकट्ठा करके ले जाता है और गरीब लोगों की मदद करता है।